सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए लॉरेंस गैंग ने एक सदस्य ने दोनों शूटरों को तैयार किया था। पैसे से लेकर हथियार तक मुहैया कराए गए सलमान खान के घर तक छोड़ने की भी उसकी जिम्मेदारी थी। आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड और सलमान खान पर अटैक का किसने बनाया प्लान भी रिपोर्ट में देखिए। लगे इन निशानों को देखिए। सलाखों में बंद इन शूटर्स को देखिए और अब इस प्लान को तैयार करने वाले मास्टरमाइंड को देखिए। लॉरेंस बिश्नोई, जिसका पता इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल है। जिसके खौफ को जड़ से खत्म करने की मुंबई पुलिस ने कसम खा ली है। सलमान के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने अब एक और राज से पर्दा उठाया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग मामले में गिरफ्तार सागर पाल और विक्की गुप्ता को एक तीसरे शख्स ने लॉरेंस गैंग में शामिल कराया था। अंकित नाम के शख्स ने पहले सागर पाल और विक्की गुप्ता को गैंग में शामिल किया, फिर उन्हें शूटिंग सिखाई। लॉरेंस बिश्नोई की शायद ही कभी सागर और विक्की से मुलाकात हुई हो, लेकिन लॉरेंस के इशारे पर और उसके गैंग के सदस्यों के कहने पर ये दोनों सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। मकसद लॉरेंस का दुनिया में खौफ दिखाना और उसके आतंक के ग्राफ को ऊपर तक ले जाना है। क्राइम ब्रांच। भारत माता की, अब आपको बोलना है, बोलिए भारत माता की। आपसे तो आवाज उनकी ज्यादा थी, अभी मिलकर के बोलना है, बोलिए भारत माता की। आज की इस सबसे पहले बड़ी सादड़ी चित्तौड़ की सभा में सबसे पहले मैं माँ तुलजा भवानी के चरणों में नमन करता हूँ। कायल का माताजी को मैं नमन करता हूं और हमारे सामलिया सेठ जी को मैं नमन करता हूं और मैं यहाँ की चित्तौड़ की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं कि ये सूर वीरों की भूमि है। मैं इस भूमि को भी नमन करता हूं। मंच पर विराजमान पार्टी के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने लाडले भाई हेमंत मीणा जी, कैबिनेट में मेरे राज्य मंत्री के रूप में भाई गौतम दग जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई गोपाल कुमावत जी, प्रदेश के मंत्री भाई पिंकेश पोरवाल जी, जिले के प्रभारी भाई मुकेश रावत जी, हमारी सभापति नगरपालिका प्रतापगढ़ रामकन्या गुर्जर जी, प्रधान पंचायत समिति प्रतापगढ़ रमेश मीणा जी, सभापति बड़ी सादड़ी विनोद जी, पूर्व जिला प्रमुख बद्रीलाल जी पाटीदार, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष धनराज जी शर्मा जी, पूर्व सभापति कमलेश जी डोई साहब, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे इस क्षेत्र के सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
कि आप सभी को बताएं कि 26 अप्रैल को लोकतंत्र का महापर्व है और यह लोकतंत्र का महापर्व हमें 5 साल में सरकार चुनने का मौका देता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 2014 से पहले की स्थिति आप देखिए कि देश में 2014 से पहले क्या स्थिति थी। आए दिन घोटाले होते थे, आए दिन आतंकवादी आते थे, आतंकवाद करके चले जाते थे। देश तुष्टीकरण के आधार पर चलता था, देश तुष्टीकरण के आधार पर चलता था। और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों का जनता से भरोसा उठ गया था, सोचते थे कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में परिवर्तन लाने का काम किया, देश में परिवर्तन लाने का काम। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने बड़े बड़े नारे दिए थे, ये गरीबी हटाओ के नारे देते थे, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीब से वास्ता नहीं रहा, कभी गरीब के बारे में सोचा नहीं। अगर गरीब के बारे में सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, हमारी माता बहनों के बारे में सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के देश के विकास से लेकर के सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के और देश को दुनिया में गौरव दिलाने से